हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैंने कहा मतलब शुरुआत करना है तो कुछ अच्छे मीठे से करते हैं। तो दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और स्वीट खीर, जो कि वर्मिसली की खीर बनाऊंगी मैं। और ये हमारे पास वर्मिसली है पतली वाली, तो इनकी मैं बहुत ही टेस्टी और अच्छी खीर बनाने वाली हूँ। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और आपके सपोर्ट से ही हम अच्छे अच्छे वीडियो आप सबके लिए ला पाएंगे, तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करें। तो चलिए बनाते हैं खीर। और ये देखिए, इसके लिए मैंने खीर वर्मिसली ली है। और ये देखिए, एक कटोरी भर के मैंने ये ली है, और इसे इस एक कटोरी से। और इसमें देखिए, ये बादाम है, जो 8-10 बादाम है मैंने काट लिए हैं। और एक कटोरी चीनी, और ये किशमिश है थोड़ी सी, और ये गरी है, और 2 इलायची ली है। और इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। तो अभी चलते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं कि इसको हमको बनाना कैसे है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपकी एकदम परफेक्ट खीर बनेगी, और आपकी खीर एकदम स्टिकी नहीं होगी, एकदम खिली खिली अच्छी सी वर्मिसली की खीर बनेगी। तो चलिए बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। और अच्छी शुरुआत के लिए मैंने सबसे पहले इसलिए कुछ मीठे से नई शुरुआत की है। तो चलिए बनाते हैं आज का ये खीर। तो सबसे पहले हमको पहले करते हैं गैस को ऑन, और गैस ऑन हो चुकी है, और अभी हम करेंगे दूध को गर्म। तो ये दूध बॉईल हो रहा है, तब तक मैं अपना एक और काम कर लेती हूँ, जिससे मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा और हमारी खीर थोड़ी जल्दी बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, इसलिए थोड़ा काम हिसाब से करना पड़ता है और जल्दी जल्दी ही करना पड़ता है। तो चलिए, ये दूध जब तक गर्म होता है तब तक मैं एक और काम कर लेती हूँ। ये पैन रख दिया है। तो इस तरीके से अगर आप खीर बनाएंगे तो आपकी खीर अच्छी बनेगी और एकदम खिली खिली बनेगी। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले 1 चम्मच घी डाल दूँगी। आपके पास घी नहीं है तो आप डालडा या रिफाइंड थोड़ा सा 1 चम्मच इसमें डाल दें। इस तरीके से अगर हम एक खीर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है, और ये जो वर्मिसली है दूसरे से चिपकती नहीं है। तो अभी मेरा घी गर्म हो चुका है, तो इसमें ये डाल दूंगी और इनको थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको इसमें भूनने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और ये एकदम खिली खिली बनती है। तो इसलिए इसको हम यहाँ से थोड़ा सा भूनेंगे घी में, और घी से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, और इसमें कलर भी बहुत अच्छा आता है। और इसलिए ये भूज के तैयार हो गई अच्छे से, और इनको मैंने स्लो आंच पे एकदम भूज लिया अच्छे से। और ये देखिए, कुछ का अलग कलर हो गया ब्राउन सा, और कुछ अलग अलग कलर की आती है, तो इससे ना खीर का टेस्ट बढ़ जाता है और खीर देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये गैस कर देती हूँ मैं बंद, और इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ तब तक दूध गर्म होता है, तब तक के लिए इनको ऐसे ही रख देते हैं। और अगर आपके पास घी नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो इसको ऐसे ही भून सकते हैं, ऐसे भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बगैर घी के इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं तो खीर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये रेडी है, और अभी देखिए दूध गर्म हो रहा है, तो इस देखते हैं आगे की प्रोसेस, ही गर्म हो जाता है फिर। तो दूध में हमारी बॉइल आ चुका है, और अभी तो दूध में अच्छे से बॉइल आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो पानी डालने के बाद दूध थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है बॉइल आने में। तो अभी ये बॉइल आएगा, फिर इसमें आगे का वो करेंगे अब। तो अभी हमारी खीर, ये दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, उसमें बॉइल भी आ चुका है। इस टाइम पर अभी इसमें हम ये अपनी जो वर्मिसली है ऐड कर देंगे इसी में दूध के साथ। तो और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ये ऐड करने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना होता है, क्योंकि ज़्यादा पकाने से ये एकदम स्टिकी हो जाती है, तो इनको कम पकाना पड़ता है। वैसे तो अपन ने इनको भून दिया तो एक नहीं होगी। तो अभी इनमें देखिए हमारी उबाल आने लगा है, तो इस स्टेज पे इसको, तो इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे, फिर उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। और तो हमारी खीर को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, और इसके इस टाइम पे अभी मैं इसमें
ये चीनी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चीनी को इसमें मिक्स कर देंगे और इसको 2 मिनट और पकने देंगे हाई फ्लेम पे। ये लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट पक चुकी हैं। और अभी इस टाइम पे इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। तो ये थोड़े से ड्राई फ्रूट मैं बचा लूँगी बाद में प्लेटिंग के लिए, और ये जो गरी थी वो भी ऐड कर देंगे। ये कोकोनट है ना, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, और जो किशमिश हमारे पास थी उनको भी ऐसे इसमें ऐड कर देंगे। और इसको बस 2 मिनट और पकाना है, फिर इसके बाद ये एकदम तैयार हो जाएगी। और इसको ना थोड़ा ऐसा पतला ही रखना होता है क्योंकि ये थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़ी गाढ़ी होती है, तो इसलिए इसको थोड़ा पतला ही हो तब अपन को गैस बंद कर देना है, क्योंकि ये बाद में थोड़ी गाढ़ी हो जाती है अपने मन से ठंडे होने के बाद। तो ये हमारी खीर को पकते हुए लगभग 7 मिनट हो चुके हैं और ये एकदम परफेक्ट पक चुकी है। और ड्राई फ्रूट्स में आपके पास अगर ड्राई फ्रूट्स जो भी है आप वो डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो नहीं हो उनको ला के डालें, आपके घर में जो भी अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो कुछ नहीं डालें, ऐसे भी इसको बना सकते हैं प्लेन। तो खीर हमारी एकदम रेडी है और अभी इस टाइम पे इसमें हम हमारी इलायची है तो इनको हमने क्रश कर लिया छील के। तो ये भी खीर में एकदम लास्ट में जब हम गैस बंद कर देते हैं तो ये इसको बाद में ऐड करना रहता है, जिससे इनकी जो सुगंध है वो खीर में एकदम अच्छे से अंदर तक जाती है। तो इसलिए इसको अभी नहीं डालेंगे क्योंकि इसको बिल्कुल गैस बंद करके, और जब हम इसको बंद करके ढक के रखने लगते हैं तब इसमें डालते हैं, तो इससे इसकी खीर में सुगंध जो आती है ना बहुत अच्छी आती है। मेरी खीर एकदम परफेक्टली कुक हो चुकी है और ये देखिए, और इसको अभी हम कर देंगे यहाँ पर गैस बंद और गैस को ऑफ कर देते हैं। फिर इसके बाद इसमें ये जो इलायची हमने कूट के रखी थी तो ये इलायची इसमें डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर हम फुल टाइम के लिए इसको हम ढक के रख देते हैं, जिससे इसकी जो इलायची की जो सुगंध है वो इसमें अच्छे से चली जाए। तो इसको मैंने ढक दिया है। तो हमारी खीर को लगभग ढके हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अभी इसको हम करेंगे गरम गरम सर्व। परफेक्टली कुक हो चुकी है और अभी एक और ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी होती है, इसलिए हमने इसको थोड़े ढीले पे ही बंद कर दिया है। और बहुत टेस्टी खीर और अच्छी एकदम खाने के लिए तैयार है, स्वीट स्वीट। और अभी मैं इसको पड़ोस के अपने हस्बैंड और अपने भाई को खिलाऊंगी, डालेंगे और ये बादाम और थोड़ी सी जो गरी है वो भी इसमें थोड़ी सी डाल देंगे। तो एकदम परफेक्ट इनको तैयार है खीर। तो ये खाने के लिए तैयार है एकदम स्वीट स्वीट वर्मिसली खीर, और आप भी बनाइए और एंजॉय करिए, अपने घर पे खिलाइए सबको। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी अच्छी रेसिपी हम आपके लिए लाते रहेंगे। और ये मेरा फर्स्ट जो है ना ब्लॉग है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और शेयर करें हमारे चैनल को, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं और अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके लिए इसी तरह से लाती रहूं। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं और अपना यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। तो बने रहें इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, खाइए बनाइए और मज़े लीजिए बढ़िया स्वीट स्वीट खीर के।